जो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉस कल्चरल रिसर्च का, कि सोशल साइकोलॉजी में क्रॉस कल्चरल रिसर्च, ठीक है, या जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं उसमें क्रॉस कल्चरल रिसर्च जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। क्रॉस कल्चरल रिसर्च को आप इस तरह समझ सकते हो कि ये एक ऐसी टाइप की रिसर्च है जिसका जो बेस है या फाउंडेशन है, ठीक है, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट या जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा रखा गया था। इन दोनों में ही जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनका जो एफर्ट है उसमें मार्गरेट जो मीड है उनका जो नाम है वो उल्लेखनीय है, ठीक है, और कमेंडेबल है उनका वर्क, ठीक है, और मतलब उनका जितना भी वर्क उन्होंने किया है क्रॉस कल्चर रिसर्च में, मार्गरेट मीड ने उसको नोटेबल तो किया ही गया और कमेंडेबल वर्क है, बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है। तो आप जब भी क्रॉस कल्चरल रिसर्च की बात करेंगे आपको ये नाम याद रखना है, मार्गरेट मीड का, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट दोनों ने ही इसका फाउंडेशन रखा था, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भी जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें मार्गरेट जो मीड हैं उन्होंने एक नोटेबल और कमेंडेबल वर्क किया है इस एरिया में। और इस मेथड की जो भी सक्सेसफुलनेस है उसको देखकर जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी इस तरह की रिसर्चेस को करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल रिसर्च। यह जो क्रॉस कल्चर रिसर्च है इस टाइप का रिसर्च है जिसमें रिसर्चर दो या दो से अधिक कल्चर के जो ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी कंपैरिजन करता है किसी स्पेसिफिक वेरिएबल्स पे, ठीक है। रिसर्चर क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक कल्चर के जो ग्रुप हैं, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कंपैरिजन कर रहा है कुछ सर्टेन वेरिएबल्स पे जो उसने डिसाइड किए हैं, ठीक है। अब जेडन के अनुसार क्या इन्होंने बताई अपनी डेफिनेशन, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो क्रॉस कल्चर रिसर्च है उसमें दो या दो से अधिक सोसाइटी से रिसीव डेटा का कंपैरिजन होता है और इसी तरीके से उसकी एनालिसिस, ठीक है, की जाती है। तो इसकी जो यूनिट है वो कल्चर है ना कि व्यक्ति, ठीक है। इसमें हम पर्सन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, कल्चर पे फोकस कर रहे हैं कि उन जो स्पेसिफिक कल्चर के लोग हैं उनके बीच में किस तरह के रिचुअल्स हैं, ठीक है, किस तरह का कल्चर फैला हुआ है, किन प्रथाओं को वो सालों से मानते चले आ रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो यूनिट है वो कल्चर है ना कि कोई व्यक्ति। तो जो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी, ठीक है, तो इसमें क्रॉस कल्चर रिसर्च में डिफरेंट कल्चर्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनकी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और इस तरीके से क्रॉस कल्चर रिसर्च में कुछ स्पेसिफिक टाइप की करेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके नेचर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, ठीक है। जैसे कि पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहती है कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च में डिफरेंट कल्चर से लिए गए व्यक्तियों के ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को हम स्टडी करते हैं। भाई दो कल्चर हमने ले रखे हैं, दो अलग अलग कल्चर हैं हमारी सोसाइटी में, तो हमने देखा कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ पाई जा रही हैं। फिर इसका स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है, और उसके बेस पे मीन्स निकाल के सिग्निफिकेंस टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं कि इस तरह के शोध में जो भी रिसर्चर होता है उसका जो स्टडी यूनिट है या यूनिट ऑफ स्टडी है वो ग्रुप होता है ना कि कोई स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, और हर कल्चर से, ठीक है, या जो भी कल्चर हम स्टडी कर रहे हैं उसका एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। पूरे कल्चरल ग्रुप को तो हम सेलेक्ट कर नहीं सकते, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को हम सेलेक्ट करते हैं और उन रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद हैं इस तरह की रिसर्च में डिफरेंट कल्चर के लोगों या ग्रुप्स की जनरल कंपैरिजन नहीं किया जाता, बल्कि कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल्स जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर, लैंग्वेज बिहेवियर, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस की आपस में कंपैरिजन करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहती हैं चौथी कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च का जो पर्पस है डिफरेंट कल्चर का अपने आप में कंपैरिजन करना उतना नहीं होता जितना कि उसका पर्पस डिफरेंट कल्चर्स में जितने भी प्रचलित व्यवहार हैं,
ठीक है, जो भी यूज्ड टू बिहेवियर डेली हो रहे हैं उनकी आपस में कंपैरिजन करना है। ठीक है, जैसे कि रेबर ने बताया कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज नॉट सो मच कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कल्चर एज इट इज कंपैरिजन ऑफ वेरियस प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट कल्चर्स एंड टेक्निक्स। इसका मतलब ये है कि इस तरह की रिसर्च का मेन पर्पस क्या है, डिफरेंट कल्चर की आपस में तुलना करना नहीं है, बल्कि डिफरेंट कल्चरल सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर की तुलना करना है। ठीक है, उन्होंने कहा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स का हमारा ये पर्पस नहीं है कि हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को आपस में स्टडी करें, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वो कल्चर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं इस चीज़ को स्टडी करना हमारा पर्पस है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहती हैं जो विटिंग क्लाइन और क्लाइनबर्ग ने कहा कि क्रॉस कल्चर रिसर्च में किसी एक कल्चर के ग्रुप की इंडिविजुअल वेरिएशन को कांस्टेंट समझा जाता है तथा एक कल्चर से दूसरे कल्चर में होने वाली वेरिएशन को क्या करते हैं, फोकस ऑफ अटेंशन में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस कल्चरल रिसर्च। अब इसको हम एक एग्जांपल या दो एग्जांपल हम देखेंगे इसमें, उसके थ्रू समझते हैं और एग्ज़ाम में आप एग्जांपल लिखते हो तो और क्लैरिटी हो जाती है ना बेटा। तो एग्जांपल क्या है कि फॉर जैसे मान लो कि एज अ रिसर्चर मैं कोई स्टडी कर रही हूँ, उसमें मैं ये देख रही हूँ कि चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस के दौरान बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, बच्चों के एक्सपीरियंसेस पे फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, या जो भी पुनीटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या कह सकते हो, दंडात्मक अनुभूतियाँ होती हैं, उसका प्रभाव उनकी जो एडल्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसके जो ट्रेट्स हैं एनसीएस और अनस्टेबिलिटी, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, उस पर क्या पड़ता है। ठीक है, मतलब कि चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस के दौरान अगर बच्चों ने फ्रस्ट्रेशन और पुनेटिव एक्सपीरियंसेस का सामना किया है तो उनकी एडल्ट पर्सनैलिटी, जैसे कि उनकी एनजाइटी और इमोशनल अनस्टेबिलिटी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए रिसर्चर को कई कल्चरल ग्रुप्स से डेटा कलेक्ट करना होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 कल्चरल ग्रुप से डेटा को इकट्ठा किया और जिसमें बालकों को या जो बच्चे हैं उनको दंड दिया जाता था और दंड दिए जाने की वजह से उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता था। ठीक है, तो मान लिया जाए एज अ रिसर्चर हमने 10 कल्चरल ग्रुप से जिसमें भिन्न भिन्न टाइप से या वेरियस चीज़ों को अपनाते हुए बच्चों को दंड दिया जाता है और फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न की जाती है, तो उसमें जो एडल्ट पर्सनैलिटी की जो बिहेवियर है उसको हम स्टडी करने का निश्चय करते हैं। तो अब ठीक है, अब एज अ रिसर्चर इन व्यक्तियों की जो भी ट्रेट्स हैं जैसे कि एनजाइटी, इमोशन इनस्टेबिलिटी, वो हम मेज़र करके उन कल्चर में जितने भी प्रचलित चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनमें कोरिलेशन देख पाएंगे। जैसे कि हमने माना कि एज अ रिसर्चर हमें यह पता है कि जिन जिन कल्चर के बच्चों में चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में फिज़िकल पनिशमेंट का जो सहारा है वो ज़्यादा लिया जाता है, मतलब कि कोई भी काम नहीं कर रहा है तो उसको स्लैप कर दिया, मार पिटाई कर दी, या उन्हें बात बात पर फ्रस्ट्रेट किया जाता है, तो उनकी अडल्ट इंडिविजुअल्स में इमोशनल अनस्टेबिलिटी और एनजाइटी ज़्यादा होती है। तो एज अ रिसर्चर इस बात पे या कंक्लूज़न हम इस तरह से निकाल लेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में जो भी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनका जो इफ़ेक्ट है बच्चों की एडल्ट पर्सनैलिटी में उनकी एनजाइटी और इमोशनल अनस्टेबिलिटी पे अधिक पड़ता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, बचपन में आप जिस भी तरीके का बिहेव करेंगे बच्चों से, आगे चल के जब वही बच्चा बड़ा होगा तो उसकी एडल्ट पर्सनैलिटी वैसे ही हो जाएगी और वो बच्चा ज़्यादा एंशियस होगा, ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये था एग्ज़ाम्पल आपका। और दूसरा भी बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है जिसे मुर्डॉक चाइल्ड रेडक्लिफ ब्राउन ने किया था। इस पर उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई थी कि जैसे ये देखना चाह रहे थे कि डिसिप्लिन और ट्रेनिंग से
बच्चों एवं पेरेंट्स के बीच में टेंशन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। परंतु ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रंस के बीच में क्लोजनेस बढ़ जाती है। तो इन्होंने इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के जो भी पेरेंट्स थे और ग्रैंड पेरेंट्स थे और ग्रैंड चिल्ड्रंस थे उनके बीच में रिलेशनशिप को स्टडी किया और पाया कि क्लोज रिलेशनशिप सिर्फ उन्हीं कल्चर्स में है जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का फैमिली अथॉरिटी, ठीक है, कम है। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को फैमिली पे लीड करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली में लीड नहीं कर रहे हैं एक डिसिप्लिनेरियन की या अनुशासक की या एक लीडर की का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे वो फैमिली में अथॉरिटी रोल प्ले कर रहे हैं, अथॉरिटेरियन का रोल प्ले कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन में फ्रेंडली रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है। पर जहाँ लीड नहीं कर रहे हैं वहाँ क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह के टूल्स हैं फॉर कलेक्टिंग क्रॉस कल्चरल रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करने के लिए। क्रॉस कल्चरल रिसर्च में जो रिसर्चर होता है कल्चर से लिए गए व्यक्तियों के ग्रुप्स का कंपैरिजन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में भी करता है और डेटा को कलेक्ट करता है। पर डेटा को कलेक्ट करने के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं। उन मेथड्स में क्या आता है, क्वेश्चनायर, शेड्यूल, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, परफॉर्मेंस टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट, सब आपने पढ़ा है बीए में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चनायर्स में के थ्रू हम कैसे करते हैं या क्या है क्वेश्चनायर, ठीक है। छोटा छोटा शॉर्ट में बता रही हूँ बेटा और डिटेल में नहीं। तो जो भी क्रॉस कल्चरल रिसर्च है उसमें जो क्वेश्चनायर है एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। इस मेथड में जो भी स्टडी किए जाने वाले टॉपिक हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखे होते हैं। बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसे स्टडी किए जाने वाले सभी कल्चरल ग्रुप्स आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो क्लियरली एक ऐसी लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं जिसको सभी कल्चर अच्छे से समझ रहे हैं और आज मोस्टली कल्चर्स में इंग्लिश का प्रचलन है तो हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। कई बार हम रीजनल और इंग्लिश बोथ का यूज़ कर रहे हैं, कई बार हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्पल मर्डॉक ने कई ऐसे क्वेश्चनायर्स का कंस्ट्रक्ट किया जिनके बेस पे हम कल्चर में डेटा को कलेक्ट कर सकते थे। आइजिंग द्वारा जो एक क्वेश्चनायर बनाया गया था जिसका नाम है आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर, उससे भी क्रॉस कल्चरल स्टडीज से डेटा कलेक्ट किया गया, ठीक है। उसको भी आप देख सकते हो या छोटा सा मैंने इमेज दे रखी है तो वो क्रॉस कल्चरल रिसर्च की है। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल यानी कि अनुसूची। क्रॉस कल्चरल रिसर्च में शेड्यूल जिसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं को भी डेटा कलेक्शन करने के लिए एक टूल के रूप में यूज़ किया जाता है। यह जो मेथड है वो प्रश्नावली भी दी यानी कि क्वेश्चनायर मेथड की बिल्कुल इक्वल होता है, लेकिन इक्वल होते हुए भी उसको हम थोड़ा सा डिससिमिलर मानते हैं क्योंकि इस मेथड में जो भी स्टडी करने किए जाने वाले वेरिएबल्स हैं, ट्रेड्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और इन क्वेश्चन को रिसर्चर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से चुने गए व्यक्तियों को बारी बारी स्वयं पढ़कर सुनाता है तथा उनके उत्तरों को हूबहू एज अ वर्बेटम लिखते जाता है और बाद में उनके उत्तरों की जो भी आंसर्स मिले हैं उसकी एनालिसिस करता है और एनालिसिस करने के बाद एक डेफिनेट कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। क्रॉस कल्चर रिसर्च में जो इंटरव्यू है एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और इंटरव्यू में जो भी इंटरव्यूअर है डिफरेंट कल्चर के व्यक्तियों से स्टडी किए जाने वाले वेरिएबल्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पूछता है, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करता है। यहीं पे मीड ने भी एक ये जो मेथड है इंटरव्यू उसका बहुत ही सक्सेसफुल यूज़ किया था ट्राइब्स में जो भी कल्चर है उनको जानने में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल्स यानी कि रेटिंग मापनी। रेटिंग स्केल एक तरह का ऑब्जर्वेशन मेथड है। इस मेथड में ट्रेंड ऑब्जर्वर रियल सिचुएशंस में जैसे कि किसी सोसाइटी
के गांव, स्कूल आदि में जाके उनकी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और एक खास तरह की पहले से बनी कैटेगरीज में उनके बिहेवियर को कैटेगराइज किया जाता है। कभी कभी वे अपनी परिचय के या अपने फैमिलियर ऑब्जर्वर के रूप में छिपकर रहते हैं और कभी कभी उन्हें इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। ठीक है, तो क्रॉस कल्चर रिसर्च की जो सक्सेसफुलनेस है वो उसके लिए आवश्यक है कि हम उस कल्चर के नॉर्म्स, कस्टम्स आदि से भलीभांति क्या हों, फैमिलियर हों जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट यानी क्रियात्मक परीक्षण। क्रॉस कल्चर रिसर्च में जो भी परफॉर्मेंस टेस्ट हैं उनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इम्पॉर्टेंट रोल है। कुछ एक्सपर्ट्स जैसे क्लाइन ने क्रॉस कल्चर रिसर्च में कुछ ऐसे टेस्ट या टूल्स का यूज़ किया है फॉर डेटा कलेक्शन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के व्यक्ति का कुछ विशेष कार्य जैसे बैलून को में हवा भरना या उसको फुलाना, स्लो लाइन ड्राइंग करना, काइट फ्लाइंग करना आदि करने के लिए कहा जाता है। ऐसे कार्यों या अन्य समान कार्यों को करने का जो ढंग है, करने में जो लिए गया समय है या जो भी एरर्स की जा रही हैं उसका एक अंदाज़ा लगाया जाता है और उनके परफॉर्मेंस के बेस पे फिर एक कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेस्ट। आप सभी को पता है प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है। तो क्रॉस कल्चर रिसर्च में एक लिमिटेड वे में प्रोजेक्टिव टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इन टेस्ट का जो कि नेचर है वो बहुत क्लियर तो होता नहीं है भाई, डिस्कस टाइप का होता है, तो इसकी वजह से रिसर्चर इस बिलीव के साथ इन टेस्ट का प्रयोग करते हैं कि इसमें व्यक्ति द्वारा रियल रिस्पॉन्स किया जाएगा। और इन टेस्ट में रुशाक टेस्ट, TAT, चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट आदि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन टेस्ट का जो स्वरूप है वो भाषा लैंग्वेज लेस रहता है। ठीक है, तो भाषा तो उसमें यूज़ होती नहीं है, तो अधिक से अधिक कल्चर ग्रुप्स में कंपैरिजन करने के लिए इनका बहुत ही धड़ल्ले से कह सकते यूज़ हो रहा है। और वेटिंग ने TAT का प्रयोग करके अमेरिकन वाइट कल्चर तथा अमेरिकन ब्लैक कल्चर में जो भी हमारे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी कंपैरेटिव स्टडी की थी और बताया कि जो वाइट कल्चर के टीनेजर्स हैं उसमें अचीवमेंट्स, नीड्स और नीड फॉर डोमिनेंस ब्लैक कल्चर्स में पल रहे टीनेजर्स से अधिक होती है। ठीक है, मतलब एक अपना कंक्लूजन दिया। नेक्स्ट है अप्रोचेस की बात करें क्रॉस कल्चर रिसर्च में, तो दो तरह के गोल्स को या दो तरह के अप्रोचेस को इसमें इम्पॉर्टेंट माना गया है, एमिक अप्रोच और एटिक अप्रोच। एमिक अप्रोच क्या होता है, एमिक अप्रोच में क्या होता है, क्रॉस कल्चर रिसर्च का जो एमिक अप्रोच है उसमें स्पेसिफिक कल्चरल बिहेवियर को स्टडी विशेषकर उन चीज़ों के रूप में की जाती हैं जो वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं तथा वहाँ की कल्चर की वैल्यूज से जुड़े हैं। इस अप्रोच की जो मान्यता है वो इस पे बेस्ड है कि किसी भी कल्चर को अगर हमें परफेक्टली समझना है तो उसको समझने के लिए हम इंडिजिनस टूल्स का या परीक्षण का या टेस्ट का यूज़ करें। उस कल्चर से बाहर विकसित किए गए जो टेस्ट हैं इस संस्कृति के लोगों के बिहेवियर को अप्रोप्रिएटली मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, और वहीं पर एथिक अप्रोच यह मानता है कि किसी भी संस्कृति के व्यक्तियों को के व्यवहारों को अगर हमें ठीक ढंग से समझना है तो यह आवश्यक है कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर के व्यक्तियों को हम कंपैरेटिवली स्टडी करें। और इस जो अप्रोच है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लिए जो वैलिड प्रिंसिपल्स हैं जिनको एस्टैब्लिश किया गया है तथा एक ऐसा थ्योरेटिकल आउटलाइन तैयार करने की कोशिश की जाती है जिससे उसमें विभिन्न व्यक्तियों की जो कल्चर हैं उनका कंपैरेटिव स्टडी की जा सके। जैसे कि इसमें जिंग जो थे उन्होंने 2000 में कहा भी था कि सबसे अप्रोप्रिएट क्रॉस कल्चरल स्टडी वह होती है जिसमें प्रॉपरली एटिक और एमिक दोनों ही अप्रोचेस के एलिमेंट्स को शामिल किया गया हो। अर्थात इसमें पहले एमिक स्टडी करके यह देख लेना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक कल्चर के भीतर व्यक्तियों की स्थिति क्या है और कैसी है, फिर हमें एटिक अप्रोच को अपनाना चाहिए और उसके सहारे एक कल्चर का के व्यक्तियों की दूसरे कल्चर के व्यक्तियों से कंपैरिजन करनी चाहिए। मतलब कि दोनों ही तरह के अप्रोचेस ज़रूरी हैं अगर हमें एक अप्रोप्रिएट कंक्लूजन तक पहुंचना है।
नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ क्रॉस कल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो एडवांटेज की अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या एडवांटेज हैं, तो भाई कोई भी स्टडी जब हम कर रहे होते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एडवांटेज की बात करते हैं पहले। क्रॉस कल्चरल जो रिसर्च होती है उसमें किसी एक कल्चर में किए गए जो स्टडी हैं, ठीक है, उनसे जो भी हमें फैक्ट्स मिले हैं उनकी जो वैलिडिटी है, ठीक है, या उसकी जो हॉनेस्टी है, उसकी जो जांच है या उसकी जो सिग्निफिकेंस है अन्य अदर कल्चर की में करके ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक साउंड जनरलाइजेशन हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक कल्चर में किया गया जो भी स्टडी है उससे जो भी हमें फैक्ट्स मिले हैं उसकी हमें वैलिडिटी या सिग्निफिकेंस टेस्टिंग अगर करनी है तो हम दूसरे कल्चर से कंपैरिजन कर लेते हैं और फिर साउंड जनरलाइजेशन हमें मिल जाता है। इससे होता क्या है, इससे ह्यूमन के जनरल नेचर को समझने में हेल्प मिलती है। जब साइकोलॉजिस्ट यह पाते हैं कि पर्टिकुलर कल्चर में पर्टिकुलर तरह के बिहेवियर होते हैं और जब वे क्रॉस कल्चरल रिसर्च की बेस पे इस कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि अन्य कल्चर्स में भी ऐसा ही होता है, तो इससे उन्हें ह्यूमन नेचर को समझने, उसके बारे में विश्वास के साथ जनरलाइजेशन करने में हेल्प मिलती है। जैसे कि अगर कोई रिसर्चर किसी कल्चर में स्टडी करके इस कंक्लूज़न पे पहुंचता है कि लोगों में अधिक इनएप्रोप्रिएट फ्रस्ट्रेशन होने से एग्रेसिव बिहेवियर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, और अगर इस टाइप का जो फैक्ट है उसको हमें कंफर्म करना है तो हमें क्या करना होगा, अदर कल्चर से उनका कंपैरिजन करना होगा, और अगर हमें अन्य कल्चर में भी यही चीज़ें मिलती हैं तो हम एक जनरलाइजेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइन के अकॉर्डिंग क्रॉस कल्चर जो रिसर्चेज हैं, किसी भी थ्योरी की जांच करने के लिए रियल लाइफ लैबोरेटरी हमें प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह से एक लैब में क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट किसी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड फैक्ट्स की साइंटिफिक टेस्टिंग कर रहा होता है, कंक्रीट जनरलाइजेशन प्राप्त कर रहा होता है, ठीक उसी प्रकार से क्रॉस कल्चरल रिसर्च में जो रिसर्चर हैं ह्यूमन बिहेवियर की फैक्ट्स की जांच व्यक्ति की रियल लाइफ सिचुएशन या रियल लाइफ लेबोरेटरी में उसकी द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब ये एक और एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, क्रॉस कल्चरल रिसर्च में सिर्फ जो थ्योरी है उसकी जांच करना ही नहीं बल्कि थ्योरी का जो कंस्ट्रक्शन है इसमें जो मॉडिफिकेशन है उसमें भी हेल्प मिलती है हमें। ठीक है, हम मतलब जांच तो कर ही रहे हैं पर उसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और नए नए तरीके के जो नियम है उसको भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडवांटेज है कि क्रॉस कल्चर रिसर्च यह एक ऐसी रिसर्च है जिसमें डिफरेंट कल्चर के लोगों के बिहेवियर का कंपैरिजन करने का हमें क्या मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये जो बेनिफिट है अन्य किसी भी रिसर्च में नहीं है। बच्चों, क्रॉस कल्चर रिसर्च के बेस पे डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं उनके बिहेवियर का कंपैरिजन करके यह हम निश्चित कर पाते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति या क्यों कोई व्यवहार एक स्पेसिफिक कल्चर में अच्छा समझा जाता है और क्यों वही व्यवहार उससे मिलता जुलता व्यवहार दूसरी संस्कृति में उतना अच्छा नहीं समझा जाता है, क्यों भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग डिफरेंट डिफरेंट सोशल ओकेजन्स में डिफरेंट डिफरेंट जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनको पहनते हैं। अगर इस तरह की स्टडी करनी है तो क्रॉस कल्चर रिसर्चेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रॉस कल्चर रिसर्च में जो रिसर्चर हैं कई तरह के वेरिएबल्स का उन सभी वेरिएबल्स को एक साथ, ठीक है, स्टडी करने में सक्सेस प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर उसमें अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की जो रिसर्च है एक तरीके से सर्वे रिसर्च के समान है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। तो अब लिमिटेशंस की बात करते हैं कि कुछ जो हम कह रहे हैं डिमेरिट्स हैं वो क्या हैं। क्रॉस कल्चरल जो रिसर्च है उसकी जो इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस है उसमें जेडन ने कहा कि इस तरह की रिसर्च में डेटा कलेक्शन जो किए जाते हैं उसमें कई कारणों से काफ़ी डिससिमिलैरिटी देखने को मिलती है। इन
रीज़न की वजह, ये जो रीज़न बताए गए हैं उसमें जो एक प्राइमरी रीज़न है वो यह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं या जो हमारे रिसर्चर हैं उनकी खुद की कैपेबिलिटी। कुछ रिसर्चर काफ़ी ट्रेंड होते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड में, पर कुछ जो रिसर्चर हैं उनमें एक्सपीरियंस की कमी होती है। ठीक है, वहीं मुनरो ने बताया कि जो क्रॉस कल्चरल रिसर्चेज हैं उसकी जो दूसरी लिमिटेशंस हैं उसमें प्रायः ऐसा होता है कि कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कुछ स्पेसिफिक कल्चर में तो अवेलेबल है पर अदर कल्चर में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि कोई रिसर्चर यह स्टडी करना चाहता है कि कुछ जो सोशल ओकेजन्स हैं या फेस्टिवल्स हैं कुछ स्पेसिफिक कल्चर में तो मनाए जा रहे हैं पर दूसरे कल्चर में नहीं मनाए जा रहे हैं। ठीक है, या दिवाली एक कल्चर में सेलिब्रेट की जा रही है दूसरे कल्चर में नहीं की जा रही है, या एक कल्चर में होली सेलिब्रेट की जा रही है एक में नहीं की जा रही, एक में ईद सेलिब्रेट की जा रही है एक में नहीं की जा रही है। ठीक है, और अगर की जा रही है तो कैसा बिहेवियर है, तो पहले तो हमें दो कल्चर ऐसे मिलने चाहिए जिसमें वो सेलिब्रेट हो। ठीक है, तो अगर हमें सिमिलर सैंपल नहीं मिलता है तो एक और ये प्रॉब्लम अपने आप में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है आपका मार्श एंड कोहन का ओपिनियन था कि जो क्रॉस कल्चर रिसर्च है उसमें लोगों के स्पेसिफिक टाइप के जो भी बिहेवियर हैं, ठीक है, उन पर अधिक बल डाला जाता है, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में शायद ही कभी स्टडी की जाती है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कल्चर पे तो फोकस कर रहे हैं पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कोई भी बात नहीं करते। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन उन्होंने बताई। क्रॉस कल्चर रिसर्च में कुछ मेथड या मेथडोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सीधा इफेक्ट क्या होता है, रिसर्चर की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पर पड़ जाता है। रिसर्चर में जो भी रिसर्च की है उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पर पड़ जाता है। बेसिकली दो तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सैम्पलिंग और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरिएबल्स। सैम्पलिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो क्रॉस कल्चर रिसर्च है उसमें रिसर्च की जो यूनिट है वो समाज होगा या जनजाति होगी या कोई लैंग्वेज ग्रुप होगा या कुछ और होगा, यह निश्चित ही नहीं हो पाता। और जब कोई यूनिट ही निश्चित नहीं हो पाती है तो उसकी सैम्पलिंग कैसे की जाए। इतना ही नहीं, यदि यह मान लिया जाए कि रिसर्चर या रिसर्च की यूनिट एक लैंग्वेज यूनिट है तो फिर उन ग्रुप्स में रैंडम सैंपल कैसे लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से कुछ लिमिटेशंस डेवलप हो जाती है जो हमारी क्रॉस कल्चर रिसर्च को थोड़ा सा वीक कर देती हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो वेरिएबल से रिलेटेड है। दूसरी जो समस्या है उसमें देख सकते हैं कि रिसर्च में जो भी वेरिएबल्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए जिन्हें उन स्पेसिफिक ट्रेट्स करेक्टरिस्टिक्स के रूप में डिफाइन करना संभव हो जिसके आधार पर क्रॉस कल्चर रिसर्च में कंपैरिजन या कैटेगराइजेशन करना पॉसिबल है। ऐसे वेरिएबल्स जब फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कोल्ड, ऐसे डेमोग्राफिक या फिर अनडेमोग्राफिकल करेक्टर जैसे कि आपका बर्थ, डेथ रेट आदि से रिलेटेड होते हैं तो उनको डिफाइन करना आसान होता है। पर यही वेरिएबल्स अगर साइकोलॉजिकल होते हैं, बिलीफ, इमोशंस, मोटिवेशन, तो उनको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर हमें बहुत कुछ सब्जेक्टिविटी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं बेटा। थैंक यू सो मच, ये आपका हो गया क्रॉस कल्चरल रिसर्च। तो होपफुली आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लास में बताया ही था मैंने, और यहाँ पे ये वीडियो इसलिए दिया ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नोट्स मिल जाएं और अंडरस्टैंडिंग तो आप सभी की है हिंदी में और मैंने कम्युनिकेट किया हिंदी में। ठीक है बेटा।